ग्रेजुएशन पास छात्रा को भगा ले गया। दो बच्चों का पिता, माता पिता का एसपी के पास झलका दर्द, बोले इकलौती बेटी है। साहब, हमारी इकलौती बेटी जिसको हमने बड़े लाड प्यार से पाला, खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसको मनपुरा का रहने वाला एक युवक जिसके दो बच्चे हैं, शादीशुदा है, बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। मामले को लेकर पुलिस थाने में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे हम परेशान हैं। हमारी सुनवाई करो, बच्ची का पता लगवा। ये कहना था सरसौ क्षेत्र के रहने वाले माता पिता का, जो एसपी के पास अपनी फरियाद लेकर आए थे। अपनी फरियाद में माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी 24 साल की है और ग्रेजुएट है। 30 जुलाई को सुबह के समय वे और पत्नी खेत पर धान बोने चले गए। बेटी घर में अकेली थी। 2 बजे हम खाना खाने आए तो देखा बच्ची घर पर नहीं थी। आसपास पूछताछ की लेकिन पता नहीं चला। बाद में पता चला कि पुत्री को मनपुरा का रहने वाला युवक शोभरन, जो कि शादीशुदा होकर दो बच्चों का पिता है, बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। मामले को लेकर जब सरसौ थाने में शिकायत की तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस अब शांत बैठ गई है। हमने कार्रवाई की बात कही तो कह दिया कि तुम्हारी पुत्री अपने आप वापस आ जाएगी और भगा दिया। इस मामले में कार्यवाही की मांग परिजनों ने की है। अरे जिस सबक से ले गया साहब, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हमें 10-12 दिन हो गए लगभग, हमारी बच्ची लापता है और वहाँ की पुलिस के लिए सब पता है। वो उस व्यक्ति के लिए गिरफ्तार नहीं कर रहा साहब, और हम जाते हैं तो बोले जे बोलते हैं आ जाएंगे, तुम क्यों पीछे पड़े हो, और जब हम चाहेंगे जब ही लेके आएंगे। आप चाहे कहीं भी जाइए, आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। कितनी उम्र होगी बच्ची की? बच्ची की साहब 24 साल है। किसके साथ गई है? शोभरन लेके गया है साहब। कहाँ का है? जी है मनपुरा का है साहब। हाँ, तो कब से क्या चल रहा था इनका? जे पता नहीं साहब कब से चल रहा था। हमें एक बार जरूर मौका मिला तो हमने जी कहा कि साहब हमारा पीछा छोड़ दे भैया, और दुनिया में जा अपना घर देख और हमें बचन दे। बोले आज के बाद हम कभी कोई बात नहीं आएगी। अपनी बच्ची से भी पूछा तो बोले कोई बात नहीं है। अब उस दिन से अब पता नहीं है साहब, तमाम ढूंढ रहे हैं। कब लेके गया था? जे शनिवार की दिन की बात है, 12 बजे की बता रहे हैं, 12-11 बजे के बीच की बात है। आप लोग और हम खेत पे थे साहब, धान लगा रहे थे तो हम जो 2 बजे खाना खाने के लिए गए तो घर पर बच्ची नहीं मिली। अब बता रहे कि 2 व्यक्ति आए हैं तो बड़ी गाड़ी से लेके गए, 2 पहिया वाली। हाँ, अब वो गाड़ी का नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, तो उस पर लेके गए। शोभरन कौन है ये? शोभरन परिहार है और उसके साथ 2 बच्चे हैं उसके। हाँ जी, पता है, मैं पता पड़ गया सब। और उधर ही जो है जे जाते हैं थोड़े बहुत घूमने के लिए तो उधर जंगल की ओर चला जाता है, जे बता रहे हैं पुलिस वाले जाते हैं। हाँ, और वो मतलब दादागिरी भी बता रहे हैं कि आप कर लेना जो आपको दिखाए। अब बताइए साहब, हमारा एक ही सहारा, एक ही बच्ची है, हम किसके सहारे जिएंगे? अब हमारा कोई नहीं है सुनने के लिए। शोभरन की शादी कहाँ हुई थी पहले? अब जे पता नहीं साहब, अशोक नगर तन की बता रहे हैं। अशोक नगर तन? हाँ। तो 2 बच्चे हैं उसके? हाँ। कहाँ है वो बच्चे अभी? उसी के पास है, शोभरन के पास। तो आप क्या चाहते हो? हम जी चाहते साहब हमारी बच्ची हमारे पास आ जाए, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है साहब, हम कितने सारे जिए। अब आपके पास लेके आए हैं।